ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जहां ईवीएम मशीनों को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और सभी राजनीतिक दलों की नजर इस पर है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम मशीनों को जिला स्तर पर बनाए गए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। पहली लेयर में हरियाणा पुलिस, दूसरी में हरियाणा आर्म फोर्स और तीसरी लेयर में केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। हर स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और उनके एजेंट भी सीसीटीवी के माध्यम से लगातार ईवीएम पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ प्रत्याशियों ने तो अपने वर्करों को स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी मेवा सिंह के समर्थक भी वहाँ डटे हुए हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।